हेलो स्टूडेंट, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 50 तक। एक एक क्वेश्चन इनफैक्ट किया था एंड आई होप कि हर एक क्वेश्चन क्लियर हो अभी तक। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 और उसके आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आपका LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा, और आपको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले ले 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू 1, 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं क्या होता है, इक्वल टू 1। इस पार्ट को इस साइड ले आइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। नाउ अगर हम इन दोनों पार्ट से कॉसेक थीटा कॉमन ले ले तो यहां मिल जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। नाउ ये और ये कैंसिल, क्या मिल गया, कॉसेक थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। क्लियर। देखिए 52 में कह रहा है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1। अब यहां पे अगर हम एलसीएम ले ले तो यहां मिल जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। नाउ कॉस थीटा इंटू दिस पार्ट, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दिस पार्ट, ये बन गया। नाउ इन दोनों ही टर्म में कॉस थीटा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां मिल गया कॉसेक थीटा माइनस 1 और यहां मिल गया कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस 1 को इधर ले आइए और इस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में जब ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे के प्लेस पे आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा अपॉन ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ देखिए प्रूफ करना है हमें 2 टैन थीटा, तो देखिए कॉस थीटा ये 2 बाहर, कॉसेक को नीचे ले आइए तो साइन लिख सकते हैं, और इनटू कॉट स्क्वायर थीटा ये बन गया 2 कॉस अपॉन साइन कॉट अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, 2 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो टेन बन जाएगा, तो 2 टेन थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए LHS है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे के प्लेस पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो कॉस थीटा प्लस 1 नाउ ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, प्रूफ हमें कॉट थीटा ही करना था, इक्वल टू RHS। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। यहां पे है टेन क्यूब थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? इक्वल टू वन। नाउ यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पार्ट को इधर ले आइए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है वन। तो इस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस कॉट क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। कॉट मीन्स क्या हो गया? कॉस अपॉन साइन, अपॉन इसके प्लेस पे आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? नाउ ये बन गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा से ये क्यूब कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से ये क्यूब कैंसिल। नाउ ये मिल गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, और ये मिल गया साइन टू द पावर फोर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां मिल गया कॉस टू द पावर फोर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन का स्क्वायर वन, तो ये मिल गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो वन अपॉन दिस, इन दोनों पार्ट को ऊपर ले जाइए तो कॉसेक थीटा सेक थीटा मिल जाएगा, और यहां पे माइनस टू दिस अपॉन दिस, तो साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा से ये भी स्क्वायर कैंसिल, तो मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूफ हमें यही करना है, ठीक है? तो इक्वल टू आर एच एस, क्लियर? नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 में टी एन मीन्स nth टर्म, ये दिया हुआ है साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा। प्रूफ करना है एल एच एस है टी थ्री माइनस टी फाइव अपॉन टी वन, तो ये क्या बन जाएगा? टी थ्री कहने मतलब n के प्लेस पे थ्री रख दीजिए, तो यहां मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस टी फाइव साइन टू द पावर फाइव थीटा प्लस कॉस टू द पावर फाइव थीटा। इतना क्लियर? अपॉन टी वन, तो साइन एन के प्लेस पे वन, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ अब यहां पे साइन क्यूब थीटा, यहां पे साइन है तो माइनस साइन टू द पावर फाइव थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस टू द पावर फाइव थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इन दो टर्म से साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां मिल गया वन, यहां मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। इन दो टर्म से कॉस क्यूब थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां मिल गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ साइन क्यूब थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ ये मिल गया हमें। देखिए अब इन दोनों टर्म से साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां क्या मिल जाएगा, देखिए यहां मिला साइन थीटा और यहां मिला कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलएचएस है। नाउ अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं, ये भी यही आना चाहिए। देखिए आरएचएस है टी फाइव, इट मीन साइन टू द पावर फाइव थीटा प्लस कॉस टू द पावर फाइव थीटा माइनस टी सेवन, तो साइन टू द पावर सेवन थीटा प्लस कॉस टू द पावर सेवन थीटा होल अपॉन टी थ्री साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इतना क्लियर? नाउ यहां से साइन टू द पावर फाइव थीटा अगर हम कॉमन ले ले तो यहां मिला वन, यहां आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों पार्ट से कॉस टू द पावर फाइव थीटा कॉमन ले ले तो यहां आ गया वन, यहां आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। नाउ ये बन गया साइन टू द पावर फाइव थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फाइव थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहां पे इन दोनों टर्म से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां मिल गया साइन क्यूब थीटा और यहां मिल जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। नाउ दिस पार्ट विल गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही था आपका एलएचएस और यही आ गया आरएचएस, इट मींस ये पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, यहां पे इस पार्ट को ये लेके आना है। पहला काम ये किया जा सकता है, दोनों ही ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो देखिए एलएचएस बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा यहां, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। नाउ टू टेन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टू टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन स्क्वायर थीटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये मिल गया टू टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहां आ गया टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू, टू अगर हम कॉमन ले ले तो यहां आ जाएगा प्लस वन। नाउ टू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इस पार्ट को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूफ करना है, तो ये आ गया इक्वल टू आरएचएस। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू दिस पार्ट, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? नाउ ये बन गया वन अपॉन वन माइनस कॉस टू द पावर फोर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस यहां पे सेम साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और यहां मिल गया वन माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा और यहां साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ब्रेक कर दिए। यहां पे भी सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये होल इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? नाउ ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहां पे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम बन गया। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस पार्ट, तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां मिल गया साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। नाउ ये बन गया देखिए कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। इसको भी ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? नाउ ये बन गया देखिए कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड अगेन उसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। नाउ बचा ये दो टर्म, तो देखिए यहां पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले ले तो यहां मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट बन जाएगा 1 होल अपॉन 1 प्लस देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे का पार्ट आ गया। अब देखिए ये बन गया 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहां आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा पार्ट बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू दिस माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, तो इक्वल टू आर एच एस। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और ये हमें प्रूफ करना है,
तो सिंपली अगर हम ब्रैकेट को खोल दे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो टू साइन थीटा प्लस टू बी सी तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू ए सी या सी ए तो यहां माइनस आ जाएगा माइनस टू कॉस थीटा होल अपॉन यहां पे भी अगेन ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए कितना क्लियर। नाउ नेक्स्ट है देखिए वन और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी हो जाएगा वन तो टू प्लस टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा होल अपॉन वन प्लस वन टू प्लस टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा इतना क्लियर। नाउ अब इन दोनों से अगर हम टू कॉमन ले ले तो वन प्लस साइन थीटा आ गया यहाँ पे वन प्लस साइन थीटा और इन दोनों से अगर माइनस टू कॉस थीटा कॉमन ले ले तो यहां आ गया साइन थीटा प्लस वन इतना क्लियर। नाउ इन दोनों से अगर हम टू कॉमन ले ले तो यहां आ गया वन प्लस साइन थीटा इन दोनों से प्लस टू कॉस थीटा कॉमन ले ले तो यहां आ जाएगा साइन थीटा यहां आ जाएगा प्लस वन। नाउ अब इन दोनों से साइन थीटा प्लस वन और टू कॉमन लिया जा सकता है तो यहां आ जाएगा वन यहां आ जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन यहां पे टू इंटू वन प्लस साइन थीटा कॉमन यहां आ गया वन यहां आ गया प्लस कॉस थीटा क्योंकि टू हम कॉमन ले चुके हैं टू और टू कैंसिल ये पार्ट और ये पार्ट ये भी कैंसिल वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा ये हमें प्रूफ करना है इक्वल टू आर एच एस क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 सॉरी यहां टू टेन ए है ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहां पे एल एच एस को sec a प्लस टेन ए माइनस वन है यहां पे sec a माइनस कॉमन ले लीजिए इन दो टर्म से तो यहां आ जाएगा टेन ए माइनस वन। तो देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी पार्ट a माइनस बी पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो sec स्क्वायर a माइनस टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। नाउ sec स्क्वायर a माइनस ये ब्रेक कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बन गया sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a ये होता है वन माइनस माइनस प्लस टू टेन ए और माइनस वन ये वन और ये वन कैंसिल टू टेन ए ये हमें प्रूफ करना है तो इक्वल टू आर एच एस क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 एल एच एस है वन प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के इंटू वन प्लस टेन ए प्लस सेक ए हमें प्रूफ करना है इक्वल टू टू तो यहां हम एक काम ये कर सकते हैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए तो इस कॉट ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए और इस कॉस ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए वन प्लस यहां है टेन ए इसको लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस सेक ए वन अपॉन कॉस ए ये बन गया। नाउ यहां पे अगर हम एलसीएम ले तो साइन ए आ गया तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन
यहां आ गया कॉस ए, तो यहां बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। तो देखिए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो वन अपॉन साइन ए कॉस ए, इतना क्लियर। नाउ इसको ब्रेक कर दीजिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए कॉस ए, ये होता है हमारा प्लस वन, तो ये और माइनस वन कैंसिल, टू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये आ गया टू इक्वल टू आर एच एस। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, हमें प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस टू। तो एल एच एस है, इस कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, इस पार्ट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना क्लियर। नाउ ये बन गया एलसीएम, ले लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहां आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां बन जाएगा एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। नाउ यहां आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां होल स्क्वायर आ जाएगा और इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर। नाउ आर एच एस को सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन साइन थीटा, इस पार्ट को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, यहां बन जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा वन अपॉन साइन थीटा माइनस टू, ये मिल गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम, यहां बन जाएगा वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ इस वन को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इससे होगा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये पार्ट तो आ गया, और ये बन जाएगा ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा कहिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये एल एच एस है और ये आपका आर एच एस पार्ट है, दोनों इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव हो गया। देखिए ना अब आप लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 से लेके 73, ये जो 12 क्वेश्चन है ये आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है, बड़े आसानी से सिमिलर लॉजिक पे बन जाएंगे। और इस पूरे एक्सरसाइज में टोटल 87 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन सिर्फ हम आपको दे रहे हैं कि खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी के सारे क्वेश्चन करा ही रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 से 87 तक, और इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड आई होप कि ये चीज़ें आप लोग कर लोगे और आसानी से ये चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।